ये लोग आप ही के लोग हैं, इनके ऊपर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। ईरान ये नहीं कह सकता कि ये हमारे अंदरूनी मामला है, हम लोगों को जितना चाहे जितना मारे, आपको क्या लेना देना दुनिया वालों को, ऐसा नहीं कह सकते। मैं ये डॉक्यूमेंट्री अभी यहाँ मैं देखा हूँ, और जिस तरह बहाइयों को ईरान में परेशान किया जा रहा है, ये मुझे बहुत बुरा लगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग कहीं बाहर के नहीं हैं, ये भी ईरान के हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो अपना भगवान दूसरा मानते हैं। वो मोहम्मद के बाद एक दूसरा मैसेंजर आए थे, तो उस तरह ये बहानुल्ला साहब जो रिलीजन शुरू किए थे, जिसमें सब मतों के सब रिलीजन्स के लोग मिलके एक जगह खुशी से सारी दुनिया वाले रहना चाहिए, लेकिन ईरान के शिया का मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा लोग शिया होते हैं वहाँ, लेकिन वो नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका रिलीजन को कोई नहीं मानता है, उसको मार डालो, उसको उसका प्रॉपर्टी खींच लो, उसको पढ़ने का मौका मत दो, उसका नौकरी खींच लो, ये बहुत बुरी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे बताया जाता है कि वहाँ अभी 3 लाख बहाई वहीं हैं, और वो लोग अपना मुल्क छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। बट हालांकि सारे दुनिया में कम से कम लाखों तादाद में बहाई लोग हैं, हमारे देश में भी 100 साल से ये लोग रहने लगे हैं, तो हमें गर्व है भारतीय होने के नाते से। यहाँ जब पारसियों को ईरान वाले परेशान करते थे, वो बाके आए थे, हम तब से कितने लोग यहाँ आए हैं, जूस आए हैं और पारसीस आए हैं, और रिफ्यूजीज को हम रहने के लिए सहारा देते आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दुनिया वाले जिस तरह ईरान के मुल्लाओं का सरकार बाहरी हमको परेशान कर रहा है, उन लोगों को मार रहा है, और उनके नौकरियां छीन रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसको बंद करने के लिए सारी दुनिया वाले इकट्ठा होना चाहिए, और ईरान के सरकार को ये समझाना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है। ये लोग आप ही के लोग हैं, इनके ऊपर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको वहाँ रहने का हक है, और तो उनको वहाँ रहने दो। और इसमें मीडिया का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के जितने भी अखबार हैं, भारत के जितने भी अखबार हैं, इसके बारे में, इस विषय के बारे में, जिस तरह बहाइयों को हैरेसमेंट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ईरान में, ये लोगों को पता होना चाहिए, ताकि लोग अपना सिंपति जताएँ, और सब मिल के दुनिया वाले ये ईरान के सरकार को समझाएं कि आप इनके ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म ना करें, और उनको वहाँ शान से जीने दीजिए। ये पिछले एक महीने से एक महिला, जवान महिला, 22 साल की महिला को पुलिस वहाँ, मॉरल पुलिस है बोल के जो कल आता है, कहते आप कपड़े सही नहीं पहने थे, उनको पुलिस स्टेशन लगे थे, उनको मारे थे सर पे, वो मर गई है। उसके बाद वहाँ के जवान लोग, महिलाएं और लड़के भी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, स्कूल्स में पढ़ने वाले, और आम इंसान भी गलियों के ऊपर बाहर आए हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को ईरान के पुलिस और दूसरे मिलिट्री अथॉरिटीज़ वगैरह, उनको मार दिए हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बात है। और अगर ईरान की सरकार समझती है ऐसा ज़बरदस्ती से इसको, ये जो खिलाफ़ जो चल रहा है ईरान के सरकार के खिलाफ, ये मूवमेंट बंद हो जाएगा, मैं नहीं समझता बंद होने वाला है ये। और हालांकि 1979 में शाह के खिलाफ इसी तरह ज़बरदस्त लोगों का ये डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं,
उनको भाग जाना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अब के मुल्लाओं का सरकार उसको बंद नहीं करेगी तो उनके आखिरी दिन आने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि जिस तरह बहाई सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में है, ठीक है। तो हम वहाँ से तेल खरीदते हैं, हम हमारी चीज़ वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, और हज़ारों सालों से इंडियन सिविलाइजेशन और ईरानी सिविलाइजेशन मिले जुले हुए हैं। वो उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हमको उनकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हम तेल ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं ना। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह यहाँ भाइयों को हम रहने दे रहे हैं, ये लोग हमारे लोग ही हैं, मतलब ये इंडियन नेशनल्स हैं, लेकिन वो रिलीजन को मानते हैं, हम इज्जत देते हैं। जिस तरह सिख्स हैं, पारसीज हैं, और अलग अलग किस्म के मज़हब के लोग हमारे देश में रहते हैं, और हालांकि पता नहीं कितने लोग भाई हैं, लेकिन उनका मैं वीडियो में देख रहा था तो सब तमिलनाडु, बंगाल, बॉम्बे, नॉर्थ ईस्ट में सारी सब हमारे जैसे लोग ही हैं, सिर्फ वो अलग रिलीजन को, अलग मज़हब को मानते हैं। दैट्स ऑल, वही फ़र्क है। ये 370 और ये स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर वगैरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया था, वो टेम्पररी फेस था, उसको कभी ना कभी ख़त्म करना था। और मोदी आने से पहले जितने भी लोग थे उनको इतना दम नहीं था कि भाई उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि, देखिए, भारत में जितने मुसलमान हैं वो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा बड़ा मुल्क है मुसलमानों का, ये कह सकते हैं, समझ गए ना। जिस आज़ादी इंडियन मुस्लिम्स महसूस करते हैं, दुनिया में कोई भी मुसलमान देश नहीं है जहां इतना आज़ादी एंजॉय करते हैं, समझ गए आप। वो लोग अपना मज़हब को प्रेगर से मस्जिद, कितने मस्जिद हैं हमारे, लाखों मस्जिद हैं, ठीक है। और देश ऐसा है, हम अलग अलग मस्जिद मज़हब के लोग हमारे मिल के जुल के रहते हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को ऐसा नहीं मार रहे हैं ना, एक महीने में 200 लोगों को मार दिए यार ऐसे मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है ना यहाँ इस देश में। तो जब किसी को इतने लोग, उनको आप कत्ल कर रहे हो, जो आपके रेजिम के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वो हिजाब के इशू पे, हिजाब के इशे पे और दूसरे कोई भी किस्से पे, तो आप लोगों को मारते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारे अंदरूनी मामला है। क्या भारत में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, है ना। हम कोई मुसलमान को जानबूझ के नहीं मारा जा रहा है कि 370 हो, स्पेशल स्टेटस अब कश्मीर हो, जो भी है, ठीक है। तो ईरान ये नहीं कह सकता कि ये हमारे अंदरूनी मामला है, हम लोगों को जितना चाहे जितना मारे, आपको क्या लेना देना दुनिया वालों को, ऐसा नहीं कह सकते।